नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के पुलिस लाइन के समीप बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बता दें, तेज रफ्तार के चलते एक और जिंदगी काल के गाल में समा गई। ताजा मामला है पुलिस लाइन महिला थाना के पास का, जहां देर शाम NH2 पर बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार सचिन वर्मा नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। बताया जाता है कि फिरोजाबाद के मोहल्ला गंज निवासी सचिन शिकोबाद से लौटकर घर के लिए आ रहा था। इसी दौरान सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि हादसा इतना भयानक था कि तस्वीरों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अनिल वर्मा पुत्र अनिल वर्मा विनय यादव। प्रवीण जी, क्या घटना, क्या सूचना मिली थी? क्या हमको सूचना मिली थी कि यानी एक दीवान जी का फोन गया था पुलिस महिला जेष्ठ सामने पुलिस लाइन, तो उन्होंने बताया था एक्सीडेंट हो गया। तो हम मौके पर पहुंचे, वहाँ ये डरे हुए मिले थे। वहाँ पर एक बाइक और ये दोनों थे, और कोई नहीं था, केवल और पुलिस की गाड़ी थी। तो क्या बताया, इसकी डेथ हो गई है? हाँ, इनकी डेथ हो गई है। पता चला ये कहाँ के रहने? ये उत्तर के बताए गए हैं, लेकिन इनको पता नहीं, इनके भाई आ गए रे। मिस्टर विश्वदीप सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रजराज सिंह एंड अमरदीप ग्रुप इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अवधेश सिंह जादौन प्रभारी, इमरान मंसूरी जिला उपाध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मंजय यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सरस वर्मा, प्रिंसिपल लिटिल इंटरनेशनल स्कूल, अपने सभी जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि आने वाला नया वर्ष हम सभी के लिए सुखमय हो, कल्याणकारी हो। अपने सभी स्टूडेंट से मैं ये निवेदन करूंगी कि छुट्टियों में अच्छे से पढ़ाई करें और कोरोना के नियमों का पालन करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसका पालन करें और ठीक से अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। हमारी तरफ से सभी बच्चों को और सभी अभिभावकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।